दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 जो सामान्य हिंदी का है, कहाँ से लिया गया है, विद्या क्वेश्चन बैंक से क्लास 12 वालों के लिए है, उसका सोल्यूशन देंगे। मैं फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 का ही सोल्यूशन दूंगा और आने वाली वीडियो में धीरे धीरे अपलोड करूंगा। मैं उन सबको इसलिए डायरेक्ट अपलोड नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, मैं उसको कॉपी में लिख के समझाऊंगा कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेपर में तो सब कर आते हैं लेकिन फिर भी उनका मार्क्स कट जाता है, जैसा आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ हुआ है क्लास 10th में। अब क्लास 12th में आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, इसलिए मैं उसको सुधारने के लिए ही उसको कॉपी पे लिख रहा हूं और तीनों का सोल्यूशन दूंगा। आप बस वेट करते रहिए, आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए खंडका का प्रश्न उत्तर नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास पर क्या आधारित है? स्कंदगुप्त भैया नाटक है, अशोक के फूल आपको पता है क्या है, निबंध है, चिंतामणि निबंध है, जानते ही हो, तो उपन्यास विधा पर क्या है, गोदान। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद में है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है, तो आई बी आत्मकथा पर आधारित है। उसके बाद है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, आप ये पता कीजिए कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास, मौलिक की जगह यहाँ सामाजिक हो जाएगा। इसका आंसर आप पब्लिकली कमेंट में दीजिएगा और नहीं तो अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। घा नंबर है, दीप जले शंख बजे, शंख बजे विधा है, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, इसका कमेंट आप इसको रिप्लाई जरूर करेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वैसे बीच में नहीं दे रहा था, और ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दीप जले शंख बजे बहुत बार आया है और मैंने जो कहा है कि हिंदी का प्रथम जो है सामाजिक उपन्यास, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो दोनों का हो सके तो आंसर देना, नहीं तो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और दीप जले शंख बजे मैंने बहुत बार बताया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको याद है या नहीं याद है। अंगा नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। उसके बाद में है प्रश्नोत्तर नंबर 2, इसमें है भैया का नंबर ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है, इसका भी आंसर आप भैया बताना, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक बता चुका हूँ, एक ही चीज़ बार बार नहीं रिपीट करूँगा, बट फिर भी आप हो सके तो कमेंट में इसका रिप्लाई दे देना, जिससे अदर स्टूडेंट को हेल्प हो सके। हमारा और आप लोगों का काम है आपस में हेल्प करना। उसके बाद में है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से मतलब विभूषित किया गया, तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही है, राष्ट्र कवि की उपाधि से किसको विभूषित किया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी नायर को, नहीं ये तो गलत ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा, ये भी गलत है। उसके बाद में सुमित्रानंदन पद, सुमित्रानंदन पंत जी, इनको भी गलत माना गया, मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई, यही सही है। उसके बाद में है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, तो अज्ञे जी इसके 100% सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, उर्वशी पर, थर्ड नंबर। उसके बाद में है, कितनी नावों में कितनी बार, ये तो आपको पता ही, अज्ञे जी आई बी नंबर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे।